मुंबई प्रदेश समाजवादी पार्टी की ओर से ट्रॉम्बे चीता कैंप के आजाद स्कूल में एक कार्यक्रम समाजवादी पार्टी आपके द्वार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में पहुंचे सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आजमी ने अपने अंदाज में केंद्र सरकार पर करारा प्रहार किया। मुंबई प्रदेश सपा के कार्यकारिणी सदस्य अब्दुल रहीम खान के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में समाजवादी के दिग्गज नेताओं के अलावा ट्रॉम्बे चीता कैंप के स्थानीय लोग भारी संख्या में मौजूद थे। समाजवादी पार्टी आपके द्वार जा जाकर लोगों को समझा रही है कि देश की जमहूरियत, देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। आप सब लोग इकट्ठा हो जाओ, जो लोग इस देश के संविधान को तोड़ देना चाहते हैं, जो गांधी जी के हत्यारे की मंदिर बनाकर उसको जो है क्रांतिकारी नेता मानते हैं, वो ऐसे लोगों के खिलाफ हमें जमा होकर इस देश के संविधान को बचाना है। और मुंबई कॉरपोरेशन में वो पार्टी जो उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी से लड़ रही है, मुंबई कॉरपोरेशन में उसका एक वर्चस्व बन जाए ताकि यहाँ भ्रष्टाचार ख़त्म हो, एजुकेशन फ्री हो, हेल्थ में आसानी लोगों को हो, इन चीज़ों को लेकर हम द्वार द्वार जा रहे हैं। पक्का होगा, पक्का भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन जो है जो गरीबी और अमीरी के बीच में फ़र्क कर रही है कि अमीर का बच्चा बड़े स्कूलों में जाता है, गरीब का बच्चा म्यूनसिपलिटी स्कूल में, गरीब बच्चे में जाता है। हमारा नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा था कि जहां महारानी का बेटा पढ़ेगा वहीं मेहतरानी का बेटा भी पढ़ेगा। महारानी और मेहतरानी का बेटा एक साथ पढ़े, एजुकेशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये समाजवादी पार्टी लाना चाहती है। हमारा नारा एक रोटी कपड़ा मुफ्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी, ये इन चीज़ों पर करके दिखाएंगे। जब भी समाजवादी की सरकार यूपी में आई है, 10 रुपये की दवा की जगह पर 1 रुपये यहाँ दवा मिली है, लोगों को राशन फ्री मिला है, लोगों को साड़ियाँ कपड़े फ्री मिले हैं, लोगों को कंप्यूटर मिला फ्री, बच्चियाँ जो 10th क्लास पास करती हैं उनको 30,000 रुपये मिला है, ये चीज़ें हम महाराष्ट्र में भी करना चाहते हैं। हज़ार है बहुत भारी जंपिंग मेजोरिटी से समाजवादी चुन के आने वाली है, और जो लोग हिंदू मुस्लिम करके देश को बांट रहे हैं उनकी दुकान बंद होने वाली है। अब आज बीजेपी का कोई नेता ईडी जाती नहीं उनके यहाँ, वो सब दूध के धुले हुए हैं। जो लोग जिनके यहाँ ईडी आ रही है, अगर वो अभी बीजेपी में चले जाएं तो पाक हो जाएंगे, वहाँ ईडी आएगी नहीं, वहाँ इनकम टैक्स आएगी नहीं। तो ये चीज़ें जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जिस तरह से पावर का यूज़ कर रहे हैं, जैसे 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस निकले, सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने कहा ये देश की डेमोक्रेसी खतरे में है, जो लोग सत्ता में है उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि जो कोई बोलता है ना उसको ईडी, इनकम टैक्स, न जाने अभी शरद पवार जैसे आदमी को नोटिस आ जाए, बड़े बड़े नेता जेल में चले जाएं, तो ये तो ठीक नहीं है ना। साथ भ्रष्टाचार ख़त्म करो और सबको सबको पानी साफ मिले, एजुकेशन सबको मिले, मॉडर्न एजुकेशन मिले, सबके घर जो हैं जो 14-15 फुट के हैं वो 18 फुट के, उनको परमिशन मिले, ये सब चीज़ें हम लाएंगे। जीता का जो चुन गया है उससे पूछिए आप क्यों नहीं सुधार रहे हो लोग, वो चाहते हैं कि पब्लिक प्यासी रहे। और सुन लीजिए आप, अगर एक बाटल पानी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ज़बानी नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पूरे देश में गई, कमेटी गई और उसने रिपोर्ट निकाला, और उस रिपोर्ट का पहला नुक्ता मुझे बताया कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी है, दलितों की आबादी है, वहाँ जानबूझकर पानी का प्रेशर कम कर दिया जाता है, वो रिपोर्ट में लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ इनकी आबादी वहाँ बिजली का कनेक्शन कम कर दिया जाता है, वही नतीजा है, पानी नहीं मिलता है। अगर एक बाटली पानी से आपकी प्यास बुझ सकती है ना, तो ये पार्टियाँ आधा बाटली पानी गटर में फेंक देंगी, आधा ही देंगी आपको, ताकि आप हमेशा प्यासे रहो। ये प्रैक्टिकल, जनता को प्रैक्टिकल देखना है कि जो लोग सत्ता में थे वो वादा आप क्यों कर रहे हैं, वो तो सत्ता में थे वो तो कर रहे थे काम, क्यों नहीं कर रहे हैं उनको। जो लोग सत्ता में नहीं है, जो वादा कर रहे हैं उसको देखो, सत्ता में पहले हम यूपी में सत्ता में थे, हमने जो किया है वही चीज़ दोहरा रहे हैं। अब अगर बीजेपी कहती है हम आएंगे, तो हम ये कह रहे, तुम तो आ चुके हो ना, अब क्या आओगे क्या, तो तुम तो ही हो यहाँ पे। अगर शिवसेना या कहती है कि हम आपकी बार ये कर देंगे, तो पहले क्यों नहीं किया तुमने, तुम तो कई 25-30 सालों से तुम कॉरपोरेशन में हो, बिजली बिल बढ़ता जा रहा है, पानी का बिल बढ़ता जा रहा है, और तुम्हारे खजाने में कई 1,000 करोड़ रुपया बैंक में रखा हुआ है, ये किसी का नहीं, जनता का पैसा है, और जनता को बिजली का बिल इतनी ज़्यादा, पानी का बिल इतना ज़्यादा, टैक्स इतना ज़्यादा मार रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए समाजवादी पार्टी का काम देखिए आप, मैं MLA हूँ मानकू शिवाजनगर से, आप मेरा काम देखिए, मेरा MLA दूसरा रईस है, आप मदनपुरा काम देख लीजिए, नागपाले का देख लीजिए, आप भिवंडी का देख लीजिए, आप कंपेरिजन कर लो, सबसे अगर सबसे अच्छा काम नहीं हो तो बोल दीजिए। नहीं नहीं अकेला होगा, अकला चल, ये सब जो है ना, सब ये सब चाहते हैं कि हमको मदद कर दो और खुद जो है फुटपाथ पे खड़े रहो। हाँ, हमसे सब ले लोग, हमको कुछ नहीं देंगे, तो हम अकेले लड़ेंगे इलेक्शन, हमको जहाँ जहाँ अच्छे उम्मीदवार मिलेंगे हम लड़ाएंगे, अच्छी तरह से लड़ाएंगे और पार्टी बनाएंगे और
कब्जा करेंगे कॉर्पोरेशन पे। मैं जहाँ से चुन के आया ना वहाँ पे कॉलेज नहीं था, मैंने डिग्री कॉलेज खोल दिया, मैंने वहाँ मेटर्निटी हॉस्पिटल भी खोल दिया, कल ओपनिंग भी उसकी है, हमको यहाँ चुन के दो हम यहाँ भी खोलेंगे। बहुत अच्छा घट बनेगा और बहुत अच्छा बदलाव होगा चीता गेम के अंदर। कैमरामैन इकबाल सेख के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।